YouTube चैनल पे वर्किंग कर रहे हैं लेकिन आपके शॉर्ट्स में अभी तक 50, 100, 200 से ऊपर व्यूज नहीं आए हैं वीडियो सही तरीके से अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट के लिए अच्छा कंटेंट बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे जो भी वजुहा हो सकती हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो आज आपको सात सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए की इसमें यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करते हैं शॉर्ट्स की वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ देखना हो तो आई बटन पर देख लीजिएगा वीडियो दे दूंगी तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे व्यूज लाने के लिए उनको सही तरीके से वायरल करने के लिए

अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम का वॉटरमार्क कैसे रिमूव कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा दोनों वेबसाइट मेंशन कर दी हैं कि कैसे आप वॉटरमार्क रिमूव कर सकते हैं शॉर्ट्स पे अपलोड कीजिए एवरी सिंगल डे आपने स्केड्यूल करना है अपनी वीडियो को शॉर्ट्स को आपने स्केड्यूल करना है और तकरीबन तीस से चालीस दिन तक लगातार आपने अपनी शॉर्ट्स को अपलोड करना है स्केड्यूल करके ठीक है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद आपके शॉर्ट जो है वो शॉर्ट फीड्स में जाएगी इनशाला तरह जरूर जाएगी इससे आपको एक और बेनिफिट भी होगा वो ये आपको पता चलेगा कि आपने

छोटा लिखा है बेशक बट ये के बहुत अट्रेक्टिव लिखा है सो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी शॉर्ट की वीडियो में एटलीस्ट आपके पुराने व्यूज से ज्यादा बेहतर व्यूज आएंगे सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर अमली शॉर्ट्स अगर देखते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे हम लोग सबसे पहले किस चीज को क्लिक करते हैं शॉर्ट्स देखते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स पे क्लिक करते हैं ना तो अगर आपको कोई कॉल टू एक्शन करना है फॉर एग्जाम्पल मेरी इस इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा ये लिंक है मेरे इस पलाम वीडियो का आप देख लीजिएगा ठीक है ये कुछ भी ऐसा एक्सवाइड तो आप उसको क्या कर सकते हो पिन कमेंट्स पे कर सकते हो ठीक है ना उसको कमेंट में ऐड करके अपने कमेंट को पिन कर सकते हो तो वो आपकी ऑडियंस देखेगी और फिर वहां से आपका कॉल टू एक्शन जो है वो उन तक पहुंचेगा लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉल टू एक्शन आपने डिस्क्रिप्शन पे लिखना है फॉर सब्सक्राइब चैनल वॉच अदर या कोई भी लिंक वगैरह तो अगर आप वो वो डिस्क्रिप्शन पे देंगे तो वो आप पहली बात तो दे नहीं सकते अब लिंक का सिस्टम वहां पे थोड़ा सा खत्म हो चुका है सेकेंड ये कि अगर डिस्क्रिप्शन पे फॉर एग्जाम्पल कुछ आप ऐसा लिख भी देते हैं कि आपने अपने चैनल पे अटेंशन अपनी ऑडियंस की लानी है डिस्क्रिप्शन पे लोग खोलकर नहीं देखते ठीक है इससे बेटर है कि आप कमेंट्स पे जाइए और कमेंट लिखने के बाद उस कमेंट को पिन कर दीजिए और वहां पे अपना कॉल टू एक्शन लिखिए क्योंकि मैं अगर अपने आप को इंक्लूड करके बात करूं तो जब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूं तो मैं ये चाहती हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते मैं साथ में कमेंट्स भी जरूर पढ़ती हूँ जब आप अपना कमेंट में एड करेंगे तो आपका कमेंट भी पिन होगा आपकी ऑडियंस आपका कमेंट देखेगी उसमें आपका कॉल टू एक्शन यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी ऑडियंस से करवाना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा अदरवाइज अगर आप डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करते हो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन क्योंकि इतनी छोटी सी वीडियो होती है उस उसमें डिस्क्रिप्शन खोलने का किसी को भी टाइम

इमोजीज मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये और ये तो आप इस तरह के इमोजीज लगा सकते हैं जिससे कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन आप grab कर सकते हैं इससे आपको दो फायदे हो सकते हैं आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा आ सकता है और साथ साथ आपकी जो audience जो ऑडियंस अटेंशन यानी कि आपका वॉच टाइम है वो भी अच्छा आ सकता है जिसकी वजह से आपके शॉर्ट्स आगे मजीद इंप्रेशन लेके शॉर्ट फीड्स में जाएंगी और आपके शॉर्ट्स वायरल हो जाएंगे आई नो इज नथिंग टू डू विद टाइटल एंड विदोजी को लेना देना नहीं है इसका बट फिर भी क्या जाता है अगर हम इस चीज को ट्राई कर ले क्योंकि मैंने आपको जैसा दिखाया ना शॉर्ट्स में काफी सारे मैंने आपको दिखाएंगे देखिए साइड पर भी चल रहा होगा अपनी शॉर्ट वीडियो में टाइटल के साथ इमोजीज का काफी यूज किया हुआ है जिसकी वजह से इनके व्यूज भी भी अच्छे हैं ऑडियंस ऑडियंस के के अटेंशन भी है। अटेंशन है साथ साथ इनका वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा होगा दैट्स इतने अच्छे व्यूज है इतने अच्छे इंप्रेशन इनको मिले हैं यूट्यूब शॉर्ट फीड से तो टिप नंबर फाइव क्या है कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड करने के लिए डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना है जी बिल्कुल अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे डेस्कटॉप क्यों हम मोबाइल से इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं बट अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ की जब आप शॉर्ट्स मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू जाके अपलोड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको ऑप्शन कम ही मिलते हैं आपने यूट्यूब स्टूडियो ही जाना होता है वहां जाके आपको बाकी की या बाकी की की फैसिलिटीज या जो है वो होती है। कुछ भी एड करने की फॉर एक्साम्पल अगर आप अपनी रॉन्ग को रिलेट करना चाह रहे हैं वो भी आपको स्टूडियो करना होगा कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं विच इज एक्चुअली अ मेन इंपॉर्टेंट थी अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो तो वो भी करना है तो आपको यूट्यूब स्टूडियो ही जाना है सो दिस इज द बेटर ऑप्शन के आप क्रोम पे मोबाइल पे ही गूगल क्रोम ओपन करके यूट्यूब स्टूडियो ओपन कीजिए डेस्कटॉप वर्जन और वहां से जाके आप अपने शॉर्ट अपलोड कीजिए फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है मेरे पास जिसको मैंने ले लिया है यहाँ से ये देखें ये मैंने वीडियो ले ली अपनी इस वीडियो को मैंने यहाँ पे कर देना है सेव ड्रॉप ये मैंने सेव ड्राफ्ट कर दिया अब इसको मैंने क्या करना है कंप्लीट करना है डेस्कटॉप वर्जन पे, पे जाके यानी गूगल पे जाके डेस्कटॉप साइट ओपन करके वहां पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके आपने इसको कंप्लीट कर देना है एंड दैट्स इट के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप बिल्कुल वहां से भी इसको अपलोड कर सकते हैं सो मेन थिंग क्या है कि आपने डेस्कटॉप साइट पे जाके करना है उससे आपको फायदा क्या है कि आप रिलेट वीडियो कर सकते हैं कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं फिर जाके अपनी वीडियो को अपलोड कर दीजिए एंड दैट्स इट थैंक मी लेटर नाउ मूविंग ऑन टू द टिप नंबर सिक्स टिप नंबर सिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट मैं अपनी वीडियोज में ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूं अपनी वीडियो को शेड्यूल करना अपनी वीडियो को स्केड्यूल करना विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं तक नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स को जाए यू मस्ट स्केड्यूल योर वीडियो इसके अलावा अगर आपके पास दो दो से ज्यादा सेडियो है जो आप शॉर्ट्स बना चुके हैं उसको आपने अपलोड करना है सो बेसिकली यू हैव टू स्केड्यूल ऑल दैट कैसे अगर आपकी एक वीडियो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं बाकी की आपने कहा मैं इसको अपलोड करना चाहती हूँ उसको अपलोड करके रख देती हूँ आपने स्केड्यूल करना है टाइमिंग डे डेट सब सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है स्केड्यूल करके तो फिर आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी जो आपने टाइम डेट फिक्स किया हुआ होगा उसी वक्त पे उसी डेट पे आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दुलर शॉर्ट मैं ये समझती हूँ कि जब आप शॉर्ट को स्केड करके अपलोड करते हैं तो so, आपकी नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स तक ज्यादा जाती है शॉर्ट फीड्स में आपकी वीडियो आए आपके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन ज्यादा जाए तो क्या करना है आपने सिंपली अपनी वीडियो को शेड्यूल करना है ठीक है इससे आपको फायदा ही होगा नुकसान नहीं नाउ मूविंग ऑन टू द टिप टिप नंबर नंबर एंड दैट इज लास्ट सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या थमनेल अब आपने नॉर्मली सुना होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स के कोई थमनेल नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थमनेल मैटर करते हैं सो so, मैं कहती हूं मैटर करते हैं इसलिए क्योंकि जब मैं भी लोगों के शॉर्ट्स देखती हूं तो मैं कोशिश करती हूं कि उस शॉर्ट्स पे एटलीस्ट कोई टेक्स मैंशन होना चाहिए कोई ऐसा शॉर्ट का थमनेल होना चाहिए जिससे मुझे पता चले ये वीडियो बेसिकली किस चीज के लिए है देन मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो देट मीन्स कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्ट्स को ऐसे ही देखते हैं शॉर्ट्स वीडियो पे भी एक ऐसी प्रॉपर चीज होनी चाहिए जो आपकी अटेंशन को ग्रैप करे तो आप उसको ओपन करें तो वो अटेंशन आपके थमनेल होता है बेसिकली ठीक है ना तो थमनेल आपका इंप्रेशन होता है अब थंबनेल आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो मिसाल के तौर पर अगर आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट तो यहाँ पे आके आप थंबनेल कैसे सिलेक्ट कर सकते हो ये वीडियो आपने ओपन कर लिए यहाँ पे देखिए पेंसिल का एक मार्क बना हुआ आ रहा है इस पेंसिल के मार्क पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी पार्ट ले सकते हो वीडियो का ठीक है उसको आप एड कर सकते हो एज अ थंबनेल तो जिसमें आपका टेक्स्ट वगैरह मेंशन होता है लिखा हुआ होता है जिसमें क्यूरोसिटी होती है आप चाहें तो वो भी आप अपना जो है वो क्लिप ले सकते हैं और उसको आप एज अ थंबनेल नेल एड कर सकते हैं सो दैट वॉज द लास्ट स्टेप बट यहाँ पे एक बोनस स्टेप है आपके लिए विच आपने मेंटेन कैसे करना है अपनी ऑडियंस रिटेंशन को यानी कि जब आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो उसमें ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है अब आपने अपनी ऑडियंस रिटेंशन को कैसे मेंटेन करना है मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में तो आपकी वीडियो ऐसी थी जो कि बहुत अच्छा उसका इंट्रो था बहुत एंटरटेनिंग थी लेकिन थोड़ा मिडिल में जाके बारह पंद्रह बीस सेकेंड के बाद जाके थोड़ी सी बोरिंग लगने लग गई उन्हें जो आपका कॉन्टेंट है वो कुछ सेकेंड

उसके बाद ऑन द लास्ट पार्ट आपने क्या करना है जो आपने पहले बताया कि आपने कैसे वेयर करना है हिजाब को कैसे मेंटेन करना है वो आपने एंड में बता दे रहे हैं so, इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो देखना चाहेगी जो पहले आपने बताया कि आपने बेसिकली जो चीज करनी थी वो आपने बताई पहले उसको साथ लेकर चले बट उसको आपने बिल्कुल लास्ट में तीन से चार सेकेंड पहले बताया कि आपने इस तरीके से इसको करना है एंड दैट सेट उसके बाद आपकी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छी आएगी अच्छा यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही कि आप अपने ऑडियंस को धोखा दे या उनसे छूट बोले या आप अगर वीडियो में बता रहे हैं कि मैं ये चीज आपको दिखाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ और वो वीडियो में ना हो तो इस तरह का काम ना करें लेकिन ऑडियंस टेंशन को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ता है आपने क्या करना होता है अपनी वीडियो को आपने ऐसा बनाना होता है अपने कॉन्टेंट को कि जो बात आप कर रहे हैं वो आप लास्ट तक लेकर चल सके यानी कि उसको आपने कनेक्ट करना है जो काम आप बता रहे हैं वो एटलीस्ट लोगों को शो होना चाहिए कि ऐसा आप उनको दिखाने वाले हो ठीक है उनका ट्रस्ट भी ब्रेक नहीं होता आपके चैनल की ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा होता है सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा आज के की विनर ये है देख लीजिएगा इनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सर्च करके उनकी कुछ वीडियोस देख लिया करें तब उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें इसी को कहते हैं रियल सपोर्ट अगर मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है कोई फायदा नहीं है ठीक है सो दे वांट सब्सक्राइबर बेसिकली दे वांट देयर ऑडियंस तो अगर आप उनकी ऑडियंस नहीं बन सकते हैं जस्ट आपने उनका चैनल सब्सक्राइब करना है सो तो ये उनके लिए भी फ्यूचर में जाके अच्छी चीज नहीं होगी नेक्स्ट मिनर आप भी हो सकते हैं आपने कमेंट करना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है एंड दैट इज इट We'll meet you in next time. I love it.